वेलकम बैक दोस्तों, मैं उम्मीद करता सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को अपने टेक इन्फो चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त मेथड बताने जा रहा हूं, जिसमें पोस्ट इंडेक्सिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि यानी ये अब तक का सबसे बेस्ट और मेरा अपना रिसर्च किया हुआ मेथड है। इस मेथड के थ्रू आप किसी भी मतलब अपनी पोस्ट को, चाहे आपकी पोस्ट किसी AI टूल के थ्रू यानी कन्वर्जन AI या आर्टिकल फोर्ज के थ्रू मतलब लिखी गई है, या किसी भी मतलब टूल के ज़रिए आपने अपनी पोस्ट लिखी है, या कॉपी पेस्ट टूल आपने पोस्ट क्यों नहीं की हुई, उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने इस मेथड के तहत अपने पोस्ट को 100% मतलब क्या कर सकते हैं, इंडेक्स करवा सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, वो इंडेक्स भी होगी। ये मेथड बिल्कुल जेन्युइन है और गूगल की ही तरफ से प्रोवाइड किया गया है, यानी ये मेथड कोई अलग सा मेथड नहीं है, ये गूगल का अपना ही मतलब एक प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म के तहत लोग क्या करते हैं, गूगल से अपनी पोस्टों को इंडेक्स करते हैं। आप देखते भी हैं कि बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट हैं जिससे लोग जैसे अपनी पोस्ट लिखते हैं वो गूगल पे देते हैं और उनकी जो वेबसाइट होती है वो फौरन मतलब इंडेक्स, यानी उनका जो फौरन वेबसाइट भी इंडेक्स हो जाती है और वेबसाइट के साथ साथ और उसका जो मतलब जो उसकी पोस्ट होती है वो भी इंडेक्स हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो पोस्ट इंडेक्स करने का जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के लिए है, ये ब्लॉगर के लिए नहीं है, यानी वर्डप्रेस पर ये काम करेगा और 100% काम करेगा। और ब्लॉगर पे लिए दोस्तों, मैं आगे आइंदा आने वाले वीडियोस में मैं आपको ब्लॉगर का भी मेथड बता दूंगा कि ब्लॉगर पे कौन सा मतलब मेथड आपने अप्लाई करना है अपने पोस्ट को इंडेक्स करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। चलो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, आपके सामने मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, इस डैशबोर्ड का नाम है console.cloud.google.com। आपके सामने ये कुछ इस तरह भी, मैं इसको मैं गूगल में अंदर ले जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने उधर लिखा हुआ है Google API। दोस्तों, असल में ये Google API का ही मेथड है, इसी मेथड के तहत ही आप अपने जो आपकी जो मतलब पोस्ट है उसको इंडेक्स कर सकते हैं, और विद 100% प्रूफ के साथ, क्योंकि मैंने खुद ही कल ही मैंने अपनी पोस्टें 2-3 इंडेक्स करवाई हैं इस मेथड के तहत। ये गूगल का अपना ही मतलब एक टूल कह लें इसको, या सॉफ्ट जो भी कह लें इसको, ये उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसको कहा जाता है Google API। जब आप सर्च करेंगे ना Google API सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद इस तरीके से आपको दो ऑप्शन नज़र आए, एक होगा Google API Explorer, फिर नीचे आएगा आपको Google Cloud Platform। आपने क्या करना है, Google Cloud Platform पर ही क्लिक करना है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा Google Cloud का। जब आप इसको मतलब इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद आप देख सकते हैं कि जब इंटर होंगे तो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब इस डैशबोर्ड के तहत दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्टों को इंडेक्स करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करना होगा, यानी इसके मैं मज़ीद आगे डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा इसकी के क्या आपने, मैं सिर्फ आपको ये नहीं इधर ट्यूटोरियल नहीं बता रहा API का कि किस तरीके आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह आप पोस्टों को इंडेक्स कर सकते हैं, वो है Google API टूल के थ्रू कर सकते हैं, वो जो 100% वर्किंग भी है। और इसी का मैं अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि Google API का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और किस तरीके से इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा था कि Google API जो है वो 100% वर्क कर रहा है, जो अगले वीडियो में इस पर डिटेल वीडियो बना के आपको इसी चैनल पर दे दूँगा आपको मज़ीद समझाने के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से अपनी जो ये इंडेक्स करवाई पोस्ट है। मैं अभी अपनी वेबसाइट लॉगिन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको भी बताता हूँ, उस वेबसाइट को मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि उस वेबसाइट की कुछ पोस्टें दी थी वो इंडेक्स ही नहीं हो रही थी, तो मैंने खुद उसको इंडेक्स करवाया है, और इंडेक्स करने के बाद अब वो पोस्टें जो है वो गूगल में मतलब रैंकिंग भी होंगी। अभी मेरी एक वेबसाइट है, मैं डैशबोर्ड की तरफ जाता हूँ दोस्तों, ये मेरी एक वेबसाइट है, मैंने इसका नाम आपसे छुपाया हुआ है, /admin/admin, ये आपको गूगल सर्च कंसोल में मैं इसका चला जाता हूँ, गूगल सर्च कंसोल। अब दोस्तों, मैंने गूगल सर्च कंसोल में इंटर हुआ हूँ। अब गूगल सर्च कंसोल में इंटर होने के बाद अब आपको मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, आपके सामने ये पोस्ट नज़र आ रही होगी, ये कुछ पोस्टें हैं जो कि मेरी इंडेक्स नहीं हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 6 पोस्टें हैं जो कि बिल्कुल इंडेक्स ही नहीं हो रही थी। मैंने इस पर 1-2 माह से ज़्यादा मैंने
एंड मैंने अपने पब्लिश कर दी थी अपने मतलब वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो फिर भी इंडेक्स नहीं हो रही थी। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया, गूगल एपीआई को मैंने यूज़ किया है मेथड को, और मेरे इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें इंडेक्स हो चुकी हैं। अब उनमें सबसे जो बीच वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कल ना परसों यानी 2 दिन पहले मैंने ये पोस्ट लिखी है, आर बनानाज गुड फॉर कंस्टिपेशन। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ क्या ये पोस्ट इंडेक्स है गूगल पे। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पोस्ट बिल्कुल 100% इंडेक्स हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन। और ये दूसरा नंबर टू पोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडेक्स है कि नहीं, ये भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी इंडेक्स हो चुकी है। और मैं इसके बाद आपको कोई ये दिखा देता हूँ इग वाली पोस्ट की, ये भी इंडेक्स है कि नहीं दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं इंडेक्स है। अब एक दो पोस्ट इसमें अभी भी इंडेक्स नहीं हुई, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन में वो भी इंडेक्स हो जाएंगी। अब देखें ये भी इंडेक्स हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं आपको ये पाइनएप्पल वाली दिखाऊं, ये इंडेक्स नहीं हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी इंडेक्स हो चुकी है। तो आप जितनी पोस्टें थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पोस्टें बिल्कुल इंडेक्स ही नहीं हो रही थी। और अब मैंने इसको गूगल एपीआई टूल को यूज़ किया है, और आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये जो पोस्टें हैं बिल्कुल इंडेक्स हो चुकी हैं। ये मैं आपको 100% प्रूफ बता रहा हूँ अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्टें अभी भी शेयर हैं, मैंने लिखी हुई है। मैं अपना वेबसाइट आपके सामने रिवील कर रहा हूँ बाकायदा, आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है vip health tips.com, और आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये पोस्टें मैंने लिखी हुई हैं। ये डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा होगा, और आपके सामने लिखा भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं प्लगइन में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि गूगल एपीआई को मैंने यूज़ किया 100%, और यूज़ करने के बाद ये मेरी वेबसाइट इंडेक्स कर रही है, मतलब इंडेक्स हो चुकी है, मतलब जो जितनी मतलब पोस्टें थी वो मुकम्मल इंडेक्स हो चुकी हैं। आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं गूगल एपीआई सेटिंग्स। अब गूगल एपीआई सेटिंग्स में आपके सामने मैंने सेटिंग की है मुकम्मल पोस्ट पे, पेजेस पे, आपके सामने मुकम्मल डिटेल आपके सामने, ये मैंने मुकम्मल इसको इंडेक्स करने का प्रोसेस, यानी अब इसी के ऊपर अगला वीडियो दोस्तों मैं बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से मतलब पोस्टों को अपने गूगल एपीआई का अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट को कैसे लिंक करना है गूगल सर्च कंसोल के साथ, किस तरीके से हर पोस्ट मतलब आपने क्या करनी है, इंडेक्स करनी है वन बाई वन, ये मैं कल ना परसों यानी नेक्स्ट डे में आपको कम्प्लीट डिटेल इसकी बता दूँगा कि किस तरीके से आपने कौन सी पोस्ट कब कैसे और इंडेक्स करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं अपना वीडियो जो है मतलब स्टॉप करता हूँ या ख़त्म करता हूँ यहाँ तक। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको डिटेल बता रहा था कि कौन सा प्रोसेस बेस्ट है जो 100% वर्किंग है और गूगल की तरफ से है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और ताकि आपके लिए मैं ला दूँ। और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको मौसूल होती रहे या रिसीव होती जाए। तो दोस्तों कल ना परसों के लिए वेट करें, मैं आपको इसी चैनल पर एक ज़बरदस्त मेथड बताऊँगा। शुक्रिया।